गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द और एक होता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जो समानार्थक शब्द होते हैं वो हमें बोलने में ऐसे लगते हैं कि भाई इनके अर्थ समान हो, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनके अर्थ में अंतर होता है। वैसे वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें उनको ऐसे लगते हैं जैसे अधर्म अन्याय, तो हमें ऐसे लगता है अधर्म और अन्याय दोनों क्या है, एक जैसे, उनका दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ऐसे होते हैं समानार्थक शब्द, इनका अर्थ समान होता है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। देखो हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, छोटा सा अंतर होता है। जैसे देखिए और अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य, वैसे हमारे दोनों का अर्थ सेम सा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होगा अधर्म और न्याय। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। अमूल्य, अमूल्य होता है कि जिसका अमूल्य मोल ही नहीं है, कि जिसका मोल ज्ञात करना संभव नहीं है, जिसका मोल ज्ञात करना संभव नहीं है। और एक होता है बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य क्या होता है, बहुत कीमती, बहुमूल्य क्या होता है, बहुत कीमती या अधिक मूल्य वाला। अमूल्य तो जिसका मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, या वैसे देखो जिसका मोल ही पता ना, और बहुमूल्य यानी कि जिसका कोई मोल नहीं है वो अमूल्य होता है, बहुमूल्य यानी जिसका बहुत अधिक मोल होता है वो क्या होता है, बहुमूल्य। तीसरे देखो अस्त्र, अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, हथियार।
हेट कर चलाया जाने वाला हथियार। क्या भी फेंक कर चलाया जाने वाला क्या क्या, जैसे बंदूक गोली, जिसको गोली को फेंक कर चलाते हैं, जैसे बंदूक की गोली, तो तीर, ये सब क्या है? और शस्त्र क्या है? हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार। हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार। देखो हमने कितने लिए, तीन चार, क्या हो गए? नहीं, तीन हो गए, चौथा है जैसे अवस्था और आयु। अवस्था और आयु को देखते हैं। अवस्था होती है आयु का एक भाग, आयु का एक भाग या एक हिस्सा, वो तो क्या कहलाता है? अवस्था। और आयु क्या होती है? साल, संपूर्ण उम्र, यानी कि पूरी उम्र, वो क्या कहलाती है? आयु। पांचवा आप देखिए, जैसे कि पुरस्कार और भेंट में क्या अंतर होता है? पुरस्कार और भेंट, पुरस्कार तो यानी कि भी हमें अपनी योग्यता के अनुसार मिलता है कि भी हमने, जैसे आप हो, आपने अच्छी मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त किए तो आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। भेंट ये होती है कि कोई अपने सम्मान पूर्वक किसी और को अपनी चीज देता है, या जो भेंट देता है वो क्या कहलाते हैं? भेंट। उसमें श्रद्धा होती है, कोई उसकी योग्यता नहीं होती। ये योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाता है। और जो भेंट होती है जो वो आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है।
कहलाता है जो पूजा करने योग्य हो। कौन होते हैं पूजा करने योग्य? माता पिता। और माननीय है जो मान सम्मान देने लायक हो। तो ये हो गए हमारे समानार्थक शब्द। यानी कि वैसे तो हमें देखने में या सुनने में तो ऐसे लगते हैं कि भी इनका अर्थ कैसा होगा, समान होगा, समान अर्थ के जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ में एक सूक्ष्म यानी कि छोटा सा अंतर होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, उसको हम अगली कक्षा में अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।